सावित्रीबाई फुले शिक्षण प्रसारक मंडळ संचालित रेणुका हाईस्कूल में मैं अध्यापिका श्रीमती सुवर्णा अशोक भवाने आज मैं कक्षा छठी का हिंदी विषय का उपहार यह पाठ पढ़ाने वाली हूँ। आज के पाठ का नाम है उपहार। उपहार इस पाठ में हमें एक यहाँ चित्र दिखाई दे रहा है। उपहार जो पाठ है वह इसका जो उत्तरार्ध है वह हम देखेंगे। तुम उत्तीर्ण हो गए इसलिए, परी बोली। परी की बात ऋत्विक को समझ में नहीं आ रही थी, उसने आंखें बंद कर ली। परी ने उसके हाथों में एक मखमली थैली पकड़ा दी। ऋत्विक ने देखा तो हैरान रह गया। वह यह तो वही पोटली थी जो उसने राहगीर को दी थी। परी ने कहा, कल मैंने तुम्हारी ईमानदारी की परीक्षा ली थी, वह राहगीर भी मैं ही थी, इसलिए मैं तुम्हें यह इनाम दे रही हूँ। देखो, हमने उपहार इस पाठ का जो पूर्वार्ध हमने देखा था उसमें देखा था कि ऋत्विक को मेले में जाना था। पुस्तक मेला गांव के पास लगा था, लेकिन उसके माँ ने उसे मना कर दिया था और वह रुककर एक पेड़ के नीचे आ बैठा था। वहाँ आने के बाद उसे एक परी मिली और परी ने कहा कि बेटा, तुम उदास मत हो, मैं तुम्हारे मदद करने के लिए ही आई हूँ। मैं तुम्हारी परीक्षा लूँगी और तुम अगर परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए तो मैं तुम्हें इनाम दूंगी। और फिर आगे क्या देखते हैं कि ऋत्विक जाता है तो उसे रास्ते में एक पोटली मिलती है। उस मखमली पोटली में वह खोलना चाहता है, लेकिन उसने वह खोली नहीं क्योंकि उसे लगा कि यह मेरी नहीं है तो मैं इसे खोल नहीं सकता। आगे जाकर उसे एक राहगीर मिला और राहगीर ने उसे पूछा, बेटा मेरी पोटली गिर गई है, तुम्हें दिखाई दी क्या? फिर उसने उस पोटली के बारे में अधिक जानकारी पूछी तो उसे लगा कि यह पोटली जो है वह राहगीर की है, और राहगीर की पोटली उसने दे दी और वह घर जाके सो गया। और दूसरे दिन जब वह आया तो उसे फिर वही परी मिली। और आगे का भाग अब हम देखेंगे कि परी ने कहा कि तुम उत्तीर्ण हो गए इसलिए तुम्हें मैं इनाम दे रही हूँ। परी की बात ऋत्विक को समझ में नहीं आई और उसने अपनी आंखें बंद कर दी। परी ने उसके आंखों में एक मखमली थैली पकड़ा दी। ऋत्विक ने देखा तो हैरान रह गया और वह बोला कि यह तो वही पोटली है जो मैंने कल राहगीर को दी थी। फिर परी ने कहा कि कल मैंने ईमानदारी की परीक्षा ली थी, वह राहगीर भी मैं ही थी, इसलिए मैं तुम्हें इनाम दे रही हूँ। परी ने ऋत्विक को समझाया, ईमानदार व्यक्ति के जीवन में किसी वस्तु की कमी नहीं होती, जाओ अब तुम्हें मनचाही वस्तु मिलेगी। ऋत्विक के पास शब्द नहीं थे जिनसे वह परी को धन्यवाद दे। खुशी से उसकी आंखें भर आई। लाल मखमली पोटली ऋत्विक ने अपनी माँ को दी। उसकी समझ में आ नहीं रहा था कि बेटा उसने क्या दे रहा है। जब माँ वह पोटली खोलने लगी तब पोटली कई गुना बड़ी हो गई। उसमें सुंदर सुंदर पुस्तकें बाहर निकल आई। पुस्तकों का ढेर देखकर माँ चकित रह गई। माँ ने पूछा पर ऋत्विक ने सब कुछ बता दिया। देखो बच्चों, जब ऋत्विक को वह मखमली पोटली इनाम के स्वरूप पे मिली तो वह घर आया और वह अपने माँ को दे दी। माँ को समझ में नहीं आ रहा था कि ऋत्विक मुझे क्या दे रहा है, लेकिन माँ ने जब उसे खोल कर देखा तो वह कई गुना बड़ी हो गई और उसमें से कई किताबें बाहर आ गई। फिर माँ को समझ में नहीं आया कि यह क्या चल रहा है। तब ऋत्विक ने सारी बात सच बता दी। अब ऋत्विक ने मित्रों के लिए अपनी बहन कृतिका के सहायता से पुस्तकालय खोला। वहाँ सभी बच्चे आकर अपनी मनपसंद पुस्तकें पढ़ने लगे। उनको पूरा गांव पुस्तक मित्र के नाम से जानने लगा। ऋत्विक ने पुस्तकालय को ही अपने जीवन का ध्येय बना लिया। उसका सारा समय पुस्तकों के बीच गुजरने लगा। अब ऋत्विक ने अपनी बहन के साथ क्या खोला, पुस्तकालय खोला और यह पुस्तकालय में सब बच्चे आकर मनपसंद पुस्तकें पढ़ने लगे और ऋत्विक को पुस्तक मित्र के नाम से भी जानने लगे। ऋत्विक ने पुस्तकालय को ही अपने जीवन का ध्येय बना लिया। उसका सारा समय पुस्तकों के बीच बीतने लगा। एक दिन पुस्तक पढ़ते पढ़ते ऋत्विक की आँख लग गई। देखता क्या है तो पुस्तक
गए उससे बातें करने लगे थे। उससे एक पुस्तक ने पूछा, ऋत्विक अगर तुम अपने जीवन में बड़े आदमी बनोगे तो क्या तुम तुम्हारा साथ छोड़ दोगे, हमें भूल जाओगे? ऋत्विक ने कहा, नहीं नहीं, अब तो तुम ही मेरी साथी हो, मित्र हो। तभी किसी ने दरवाजे की घंटी बजाई और उसकी नींद टूट गई। जागने पर उस देर तक सोचता रहा कि आगे चलकर वह बड़ा सा पुस्तक भंडार खोलेगा। इस पाठ में हमने ऋत्विक की ईमानदारी का जो उसे फल मिला वह देखा। देखो बच्चों, हमें अपने जीवन में ईमानदार रहना चाहिए। ईमानदार व्यक्ति को किसी भी चीज़ की कमी नहीं पड़ती, यह पाठ से हमने सीख ली है। अब हम देखेंगे शब्द वाटिका। नए शब्द, तेज प्रखर, पोटली थैली, हैरान चकित, राहगीर यानी पथिक। इसमें जो मुहावरे आए हैं वह मुहावरे हम देखेंगे, आंखें भराना दुखी होना, तय करना निश्चय करना, चकित होना आश्चर्य करना, आंख लगना नींद आ जाना। अब हम देखेंगे भाषा की ओर। निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द इस कहानी से ढूंढकर बताओ। सखा यानी मित्र, जननी यानी माँ, भगिनी बहन, नयन आँख, वृक्ष यानी पेड़। अब हम देखेंगे विरुद्धार्थी शब्द। जीवन मृत्यु, सुबह शाम, जागना सोना, दोस्त दुश्मन, दूर पास। अब हम आगे के लेक्चर में जोकर यह पाठ पढ़ेंगे। थैंक यू।